वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक्स सीखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाम देखो कितना बड़ा नाम है, टॉपिक इजी है, देखते हैं क्या। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पहले तो हाईलाइट कर देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं फोर्स के बारे में, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इन शॉर्ट ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे जुड़ी हुई है वो बताता हूं, ठीक है। अब सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे मैंने बैटरी से जोड़ दिया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं किसी मैग्नेट के पास में ले जाता हूं, किसी मैग्नेट के पास ले जाता हूं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये मूवमेंट शो करेगा। क्या शो करेगा? मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पे ए बी एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमने सीखा हुआ है। अब ये जो ए बी वायर है उसकी लेंथ सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं एल है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर को इफ आई प्लेस इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पे स्टूडेंट्स मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। सो इफ आई प्लेस द गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने उठा दिया, इसमें से करंट फ्लो अभी भी हो रहा है ऐसा समझ लो, तो ये जो कंडक्टर है ये मूवमेंट शो करेगा। क्या शो करेगा? मूवमेंट शो करेगा। क्यों शो करेगा? बिकॉज इस पे फोर्स एग्जर्ट हुआ है। अब ये जो फोर्स एग्जर्ट हुआ है वो किसने फोर्स एग्जर्ट किया है? वो ये मैग्नेट ने फोर्स एग्जर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पहला क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ, फोर्स क्यों एग्जर्ट हुआ, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ए बी एक कंडक्टर है, हम लोगों ने सीखा हुआ है, हम लोगों ने ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, हम लोगों ने मैक्सवेल का रूल भी सीखा हुआ है, जिसमें बताया गया था कि अगर करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में तो वो कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। जैसे कि यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर है मेरे पास, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने सीखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये जो कंडक्टर है इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड खुद इसकी है और यहां पे जो मैग्नेट है उसकी भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन करेंगे, अगर आप इसे इधर प्लेस कर दोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो दो मैग्नेट को अगर हम इंटरेक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो वैसा ही यहां पे भी हो रहा है, ये कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक होगी, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी, बट ऑब्वियस है यहां पर यह इंटरेक्ट करेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंड उसके वजह से ये कंडक्टर में मूवमेंट शो होगा। अब थर्ड चीज आते हैं, ये फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये स्टूडेंट जो फोर्स होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल बिल साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें हर एक टर्म सीखते हैं क्या क्या है। तो बी तो आपको पता है इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बी इज अ सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। फिर आई होता है करंट के बारे में बात करते हैं, आई मतलब करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। देन एल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे व्हाट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट, साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है,
ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है, जिसको हम क्लास टेंथ मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। एंड ये थीटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है एंगल। अब ये थीटा जो है वो कौन सा एंगल है? थीटा जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ना रखते हुए, अगर आप इसको वर्टिकल ना रखते हुए, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रख देंगे, पहले ये किसमें है वर्टिकल है, अभी इसको हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे? इसके अंदर हम लोग रख देंगे कंडक्टर को, तो जो कंडक्टर है उसके बीच में अभी एंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। इससे क्या इफेक्ट होता है? तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द थीटा द फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर चेंजेस, विल सी दैट वन बाय वन। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर थीटा का वैल्यू सपोज पहले केस में 90 डिग्री लेते हैं, तो 90 डिग्री मतलब क्या स्टूडेंट्स? द करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा वहां पे 90 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो मैंने साइन थीटा लिया हुआ है, तो दिस साइन थीटा का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगा। थीटा के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1। साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90, साइन 90 के बदले वैल्यू आ जाएगा 1, तो बी आई एल इंटू 1 विल बी द सेम एफ इज इक्वल टू बी आई एल। तो ये मैक्सिमम जो है एफ कब होगा, फोर्स कब एग्जैक्ट मैक्सिमम होगा? जब ये कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा तब। नाउ व्हाट अबाउट इफ द कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले केस में जहां पे कंडक्टर पैरेलल है, वो केस में कैसा होगा तो वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे चेंज कर देंगे, तो इन सेकेंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन जीरो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन जीरो का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। पहले 90 डिग्री था तो 1 था, अब साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। ये सारी वैल्यूज जो है वो ग्राफ से निकाली जाती हैं, वो प्री डिफाइंड वैल्यू होती हैं, आप खाली याद रख लेना। साइन 91 होता है, साइन जीरो जीरो होता है। इवन इन क्लास टेंथ मैथ्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे वैल्यूज। तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल यहां पर आ जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, तो यहां पे जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, मतलब कंडक्टर पे कोई भी फोर्स एग्जर्ट होगा नहीं। तो हम लोगों ने जो केस स्टडी किए हैं वो दो केसेस हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है कंडक्टर, तो एफ जो है वो मैक्सिमम होगा, एंड अगर वो पैरेलल है मतलब थीटा जीरो है, तब ये कंडक्टर पे जो भी फोर्स होगा वो भी जीरो होगा, तो वहां पे आपको मूवमेंट देखने मिलेगा नहीं। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट दिस दैट इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल बी एक्सर्टेड, बट इफ इट इज पैरेलल देन नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, जो फोर्स है वो एक्सर्ट मैक्सिमम कब होगा? जब कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तब। अब स्टूडेंट्स डायरेक्शन जो है वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में यहां पे कंडक्टर पे फोर्स एग्जर्ट होने वाला है? जैसे कि हम लोग को पता है ये कंडक्टर है, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इनवर्ड, आउटवर्ड, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो दैट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कैन बी फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग है वो साइंटिस्ट का नाम है, उसके लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इजीली जान सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सा होगा। बट यहां पे आपको दो डायरेक्शन मिनिमम पता होने चाहिए, करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर ये दो डायरेक्शन आपको पता है तो तीसरा डायरेक्शन आपको हमेशा फोर्स का मिल जाएगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स कैसे पता लगाना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये दो उंगली ऑफ लेफ्ट जो है लास्ट दो उसको बेंड कर देना है ऐसे, एंड यहां पे ऐसे करना है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो परपेंडिकुलर एक दूसरे से होने चाहिए, तो दिस थंब इज परपेंडिकुलर टू दिस फिंगर, दिस फोर फिंगर इज परपेंडिकुलर टू मिडल फिंगर, तो दे आर दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें जो थंब है उस पर मैंने यहां पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स एफ लिखा हुआ है, एफ तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आई का डायरेक्शन है, तो इसे हम बोलते हैं एफ बी आई, एफ बी आई फॉरेंसिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम सुना रहेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो फोर्स यहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आएगा करंट। अब कैसे पता लगाना है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, चलो एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसका डायरेक्शन ये साइड है, तो ये मेरा जो फोर्थ फिंगर है वो ये तरफ पॉइंट आउट करेगा। देन अगर मैं बात करूंगा करंट की, तो सपोज मैं यहां पे करंट जो है वो यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कि करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मतलब आपने जो कंडक्टर रखा था वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो आप इसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। देखो स्टूडेंट्स पहले हम लोग डायरेक्शन जो करंट और उसका पता है मैग्नेटिक फील्ड का वो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर फिंगर पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट साइड, यहां पे जो करंट है ये करंट के लिए मिडल फिंगर है, तो करंट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो ये मैं डाउनवर्ड कर रहा हूं, यहां पे देख पा रहे हो आप। और जो थंब का डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये फोर्स कहां आ रहा है, आपके टुवर्ड्स आ रहा है, तो दिस फोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो फोर्स जो है वो आउटवर्ड बोला जाएगा, तो जो फोर्स लगने वाला है दैट विल बी आउटवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ पा रहे हैं। अभी इसका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे आपको और दो तीन एग्जांपल बता देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। सो होल्ड फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ अ लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स विद वन अनदर, दे शुड बी राइट एंगल विद वन अनदर। तो फ्लेमिंग ने पहले कंडीशन दिया कि ये लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर क्या बोला है, फोर फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द थंब, और यू कैन से द थंब विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच करंट कंडक्टर विल मूव। अब हम लोग स्टडी करेंगे, चार डिफरेंट केसेस में लेके आया हूं ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल ओनली वी आर गोइंग टू चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे पहला जो केस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये तरफ जा रहा है, करंट जो है यहां पे सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं करंट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा, आप देख पा रहे हो करंट मेरा जा रहा है डाउनवर्ड, तो दिस मिडल फिंगर शुड पॉइंट डाउनवर्ड, तो फोर्स ऑफ जो कंडक्टर है फोर्स जो है वो आपकी टुवर्ड्स आ रहा है दैट इज आउटवर्ड। तो ये पहला केस में जो फोर्स है वो आउटवर्ड हो गया, जो हम लोग ने ऑलरेडी सीख चुके हैं एग्जांपल में। अब सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं, अगेन आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर फिंगर यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम करंट का डायरेक्शन यहां पे चेंज कर देते, तो करंट सपोज अपवर्ड जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो ये मेरा फिंगर्स है, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जा रही है, करंट जो है वो अभी डाउनवर्ड नहीं है, करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है अपवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट, तो फोर्स जो है वो आप देख पा रहे हो इनवर्ड जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन यहां पे होगा अंदर की तरफ इनवर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, नेक्स्ट में जो है मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अभी देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लेफ्ट की तरफ जा रही है, आप देख पा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब सपोज मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं कि करंट डाउनवर्ड है, फॉर एग्जांपल करंट इज डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर फिंगर इस तरफ, करंट जो है वो मेरा डाउनवर्ड जा रहा है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, आप देख पा रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट, तो जो थंब है वो मेरा अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो फोर्स विल बी इनवर्ड इन दिस केस। सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर द फोर्थ केस, फोर्थ केस में भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में रख रहे हैं और करंट का डायरेक्शन यहां पे अपवर्ड कर देते हैं। चलो
सो ये फोर फिंगर है, करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट जो है वो अपवर्ड है तो करंट अपवर्ड जा रहा है, तो ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आपके टूवर्ड्स, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये होगा आउटवर्ड, तो फोर्स विल बी आउटवर्ड। तो ऐसे चार केसेस में हम लोग ने चारों केसेस में समझा कैसे डायरेक्शन ढूंढा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है फ्रेंड्स, तो एक तरीके का डिवाइस होता है, ये डिवाइस क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक मोटर का स्ट्रक्चर है, ये मोटर है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये रोटेट करने लगेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे घर में भी फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, इन सारे के अंदर ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं मोटर घूमने लगती है, एंड जो भी उसके एप्लीकेशन है वो हम लोग ले सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल दो तो फैन इज ऑल्सो हैविंग अ इलेक्ट्रिक मोटर इन इट। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये डीसी भी हो सकती है, एसी मोटर भी हो सकती है। डीसी मींस डायरेक्ट करंट, अगर आप बैटरी से इसे देते हो सिंगल डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसको डीसी मोटर बोलेंगे, अगर आप एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो तो ऑल्टरनेटिंग करंट से जो भी मोटर डिवाइसेस चलेंगे उसे हम एसी मोटर बोलेंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डीसी मोटर ज्यादा तक पूछते हैं, इसमें तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली है प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, एंड थर्ड इज वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। ये क्वेश्चन चार या पांच मार्क के लिए आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, रोटेशन कैसे होता है। तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज पास थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कॉइल व्हिच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली। अब अंदर के स्ट्रक्चर की बात की है यहाँ पे, जब भी अंदर जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेट भी होता है और यहाँ पे आपके रेक्टेंगुलर कॉइल भी प्रेजेंट होती है। तो जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक जो है, यहाँ पे मैग्नेट ऑलरेडी है तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई एंड कॉइल तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे करंट पास करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के वजह से फोर्स एग्जर्ट होगा एंड वो फोर्स की वजह से रोटेशन होगा, जो ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स एग्जर्ट होगा, सेम कॉइल पे भी ये फोर्स एग्जर्ट होगा। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लाइक सेम ओनली फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट कैरिंग कॉइल का जो फील्ड का एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देखा था, हम लोग ने वहां पे डायरेक्शन भी नोट किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, एग्जैक्टली इसके अंदर कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं, हर एक का क्या फंक्शन है वो देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉर्सशू मैग्नेट की। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर मोटर के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दो हॉर्सशू टाइप मैग्नेट मिलेंगे विच आर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। देन हॉर्सशू मैग्नेट के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है विच इज कॉपर इंसुलेटेड। ये जो कॉइल होती है स्टूडेंट्स ये फ्री टू मूव होती है, ये रोटेट करती है एबीसीडी, इट इज सस्पेंडेड। अगर आप देखोगे तो एबीसीडी को आप कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो एबीसीडी जो है वो फ्रीली मूविंग रेक्टेंगुलर कॉइल है। नाउ दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अनदर स्ट्रक्चर नोन एज स्प्लिट रिंग, जिसे हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है कम्यूटेटर C1 C2 दे आर कम्यूटेटर। अभी कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर वो होता है जो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे आफ्टर हाफ रोटेशन। मतलब अगर एबीसीडी ने हाफ रोटेशन ले लिया, टोटल रोटेशन 360 डिग्री होता है, अगर एबीसीडी 180 डिग्री घूम गया तो 180 डिग्री के बाद ये कम्यूटेटर करंट का डायरेक्शन बदल देगा, वो हम लोग वर्किंग के टाइम देखेंगे। तो अभी आप याद रखो स्प्लिट रिंग ही कम्यूटेटर बोला जाता है और ये जो रिंग होती है वो कॉपर से बनी होती है। तो स्प्लिट रिंग एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट रिंग बन गया, है ना, इजी। तो थर्ड स्ट्रक्चर इज स्प्लिट रिंग एंड द रेक्टेंगुलर कॉइल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्प्लिट रिंग। अगर हम आगे बात करेंगे तो फोर्थ वाला जो है इट इज नथिंग बट कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2।
अब ये कार्बन ब्रश जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इट इज अ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रशेस रहेंगे यहाँ पे बी वन बी टू में, विच इज डायरेक्टली अटैच टू द स्प्लिट रिंग। अब होता क्या है, जब एबीसीडी मूव होगा तो ऑब्वियसली एबीसीडी इज अटैच टू स्प्लिट रिंग, तो स्प्लिट रिंग भी मूव करेगा या कम्यूटेटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। अगर हम कम्यूटेटर को डायरेक्टली वायर से कनेक्ट कर देंगे तो वायर भी ट्विस्टेड हो जाएंगे, पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल सर्किट है वो भी ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बी वन बी टू ब्रशेस लेते हैं जो वायर से कनेक्ट रहता है, बी वन बी टू का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, वो रोटेट होता नहीं है। रोटेट कौन होगा, स्प्लिट रिंग होगा। अब बी वन बी टू क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बी वन बी टू आर नथिंग बट कार्बन और ग्राफाइट ब्रशेस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, किसे, स्प्लिट रिंग को। अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम क्यों करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो बी वन बी टू का काम याद रख लेना, इट प्रोवाइड्स करंट। और ब्रश क्यों यूज किया है, तो ब्रश अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा आयन्स या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो पाएगा, इसके लिए हम लोग ने ब्रश का स्ट्रक्चर यूज किया है टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन्स। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होगा तो यहां पे स्प्लिट रिंग को इनफ करंट मिलना चाहिए। तो बी वन बी टू फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो रोटेट होता नहीं है, कार्बन के ब्रशेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन्स के लिए काम आता है, और ये स्प्लिट रिंग के साथ एबीसीडी मूवेबल है। अगर हम बात करेंगे तो फिफ्थ में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में वायर्स और बैटरी आपको दिखने मिलेगी। ऑब्वियसली बैटरी नहीं होगी तो करंट मूव, करंट नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा तो वर्क नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आप एकदम इजी याद रखो, एक दो तीन चार और पांच, पांच रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है बस, एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर, ये रेक्टेंगुलर थोड़ा बैंड कर देना बस, ये दूसरा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर, ये चौथा और ये पांचवा, पांच रेक्टेंगल आपको बनाने एकदम इजी है। फिर एक स्प्लिट रिंग बना दो और वापस एक रेक्टेंगल बना दो, यहां पे हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। बैटरी डाल दो, ब्रशेस सी वन सी टू नाम दे दो, एबीसीडी, अभी इसको नाम नेमिंग कर देंगे। तो एन और एस क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है, फिर एबीसीडी कॉइल है जिसको हम लोग आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, याद रख लेना। स्प्लिट रिंग ये है, ठीक है, जिसे कम्यूटेटर भी बोला जाता है। कार्बन ब्रशेस बी वन एंड बी टू है और यहां पर बैटरी कनेक्टेड है। थर्ड इज वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। अब स्टूडेंट्स ऑल द पार्ट्स आर क्लियर टू यू, यहाँ पे मैंने डीसी मोटर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, सब पार्ट्स आपको पता है, मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं, स्प्लिट रिंग है, ब्रशेस है एंड बैटरी इज ऑल्सो कनेक्टेड। अब इसका वर्किंग जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज, के अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसपे एक फोर्स जनरेट होगा, तो वो फोर्स की वजह से ये जो मोटर है वो रोटेशन करेगी। तो कैसे करेगी वो भी देख लेंगे। यहाँ पे टोटल मैं चार केसेस में आपको बताता हूं, पहले दो केस डिस्कस कर लेते हैं, बाद में बाकी के दो केस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होगा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा एंड करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो दैट करंट विल ट्रेवल, पहले जाएगा वो बी वन में, बी वन इज नथिंग बट ब्रशेस, कार्बन के ब्रश है, वहां से वो जाएगा कम्यूटेटर सी वन में, इसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं कम्यूटेटर भी बोलते हैं। सी वन से वो आगे बढ़ता हुआ करंट जो है वो पहले जाएगा ए बी के अंदर, फिर रोटेट होके वो आएगा सी डी के अंदर, फिर वो जाएगा कम्यूटेटर सी टू एंड देन फाइनली बी टू। तो ये सीक्वेंस आप लिख सकते हो एग्जाम में कि करंट का डायरेक्शन कहां से कहां जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, करंट ऑलरेडी यहां से फ्लो हो रहा है, दो मैग्नेट लगे हुए हैं तो ऑब्वियस है इनकी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो, ठीक है, एंड करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कॉइल है वो कहां रोटेट करेगा या कहां मूव करेगा या कहां फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले करंट जो है वो इनवर्ड है, तो करंट ये मिडल फिंगर से करंट बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर फिंगर से बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा और ए बी जो है वो धीरे धीरे करके डाउनवर्ड जाएगा। सो ए बी
इज डाउनवर्ड, ए बी विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है. एट द साइमल्टेनियस थिंग, अभी देखो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, सीडी का देख लेते हैं, सीडी का. अब सीडी में देखो क्या होगा, सीडी वाले पोजिशन पे करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो आपके टूवर्ड्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड, तो ए बी नीचे और सी डी ऊपर, दोनों पे साइमल्टेनियसली फोर्स लगेगा, तो ये ए बी एंड है, ये सी डी एंड है, ये रोटेट ऐसे करेंगे, तो सी डी जो है इट विल मूव अपवर्ड. सिंपल एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स. देखो एक मोटर मैंने लिया हुआ है, ऐसा समझो कि ये जो ब्लू कलर का एंड है वो ए बी है एंड दूसरा जो है वो सी डी है पिंक कलर का. अब कैसे होगा स्टूडेंट, जैसे यहां पे करंट आएगा, सपोज इसके आसपास मैग्नेट रख दिया है, सो ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड होगा एंड सी डी पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड होगा, और ऐसे करके ये पोजीशन या रोटेशन होगा. तो ए बी विल मूव डाउनवर्ड, सी डी विल मूव अपवर्ड. तो दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो, तो दिस इज द पोजीशन, ये पहले जीरो डिग्री पे था, अब ये रोटेट हो गया है, तो ये जीरो टू 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, ठीक है. फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पे दूसरे केस में देखो, यहां पे मैं पहले एंगुलर मूवमेंट लिख देता हूं, तो पहले जो एंगुलर मूवमेंट होगा वो जीरो डिग्री से 90 डिग्री मूव करेगा, ठीक है. जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है, जीरो डिग्री पे ये लोग जीरो डिग्री पे थे, अब ये 90 डिग्री पे आ गया, ठीक है. तो ए बी और सी डी बोथ मूव बाय 90 डिग्री एंगल, तो जीरो टू 90 डिग्री में ये हो रहा है. अब ये ए बी ऊपर चलेगा, सी डी ए बी नीचे चलेगा, सी डी ऊपर आ गया, ठीक है. तो ये पोजीशन पे आप देख पा रहे हो देयर इज अ गैप, स्प्लिट रिंग है, उसको स्प्लिट रिंग क्यों बोला जाता है, बिकॉज देयर इज अ गैप. तो ये गैप जो है, अब C1 जो है, देखो स्टूडेंट्स AB नीचे जाएगा तो AB किससे जुड़ा हुआ है, C1 से, तो C1 जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, तो C1 नीचे की तरफ मूव होगा, और CD जो है इट इज कनेक्टेड टू C2, तो C2 ऊपर की तरफ मूव होगा. अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहां पे ब्रशेस जो है B1 B2, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कनेक्शन, तो करंट फ्लो हो पाएगा क्या, तो करंट नहीं फ्लो होगा, तो करंट कट ऑफ हो जाएगा यहां पे, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिकॉज देर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द ब्रशेस एंड कम्यूटेटर, क्योंकि ब्रश में से तो करंट जा रहा है बट यहां पे आ रहा नहीं है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जीरो टू 90 डिग्री तो चलेगा, ठीक है, करंट आ नहीं रहा है, फिर भी ये रोटेशन करेगा. अभी आप बोलोगे सर कैसे करेगा, मैजिक थोड़ी होगा, तो मैजिक ही होगा, वो मैजिक को फिजिक्स में बोलते हैं इनर्शिया. कैसा होता है ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक रोटेशन लेते हैं, अगर हम लोग रोटेशन लेते हैं, तो अगर मैं रोटेशन देता हूं तो मोमेंटम जनरेट होता है. मोमेंटम मतलब ये एक फोर्स में आ जाता है, ये एक मोमेंटम में आ जाता है और एक इनर्शिया जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरा जो हाफ रोटेशन है दैट इज 90 डिग्री टू 180 डिग्री अपने आप कंप्लीट होता है ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज करंट तो जा रहा नहीं, और करंट के बिना तो पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी रख दो, कुछ भी फोर्स एग्जर्ट होगा नहीं. तो इनर्शिया के वजह से, इनर्शिया का अगर आपको सिंपल एग्जांपल दो, तो अगर हम लोग झूले को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं तो अपने आप झूला आगे की तरफ आ जाता है एंड कंटिन्यूसली वो रोटेट करता रहता है. पेंडुलम में भी आपने नोटिस किया रहेगा, जो बॉल क्लॉक होती थी ओल्ड, उसके अंदर पेंडुलम होता था स्टूडेंट्स, तो पेंडुलम जो है वो भी ऐसे ही रोटेट करता है इनर्शिया की वजह से, अपने आप वो कंप्लीट होता है. तो 90 टू 80 डिग्री में देयर इज नो करंट, करंट इज कट ऑफ, एंड जो रोटेशन है 90 डिग्री टू 180 डिग्री दैट इज ड्यू टू द मोमेंटम और इनर्शिया हम लोग बोल सकते हैं. तो ये यहां पे ए बी यहां पे था, सी डी ए बी नीचे गया, सी डी ऊपर आया, करंट कट ऑफ हुआ, अपने आप 180 डिग्री रोटेट कर लिया. इन थर्ड केस आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रोटेशन, तो स्टूडेंट्स यहां पे देख पा रहे हो हाफ रोटेशन कंप्लीट हो चुका है. पहले ए बी यहां पे था, सी डी यहां पे था, रोटेट हुआ, ए बी वो साइड चलेगा, सी डी ये साइड आ गया. तो दिस इज नोन एज हाफ रोटेशन विच इज 0 टू 180 डिग्री. अब देखते हैं आगे कैसे होता है 180 डिग्री के बाद. आप देख पा रहे हो यहां पे भी पोजीशन सारे चेंज है. सी डी जो है वो पहले राइट में था, अभी वो लेफ्ट में आ गया है. ए बी जो था वो पोजीशन यहां पे चेंज हो गई है. इनफैक्ट इफ यू कैन ऑब्जर्व द कम्यूटेटर पोजीशन आर ऑल्सो चेंज. ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी बिकॉज वो तो फिक्स्ड है ना, उसमें तो रोटेशन होना ही है, रोटेशन तो यहां पे होना है.
अब ये केस में क्या होगा ना स्टूडेंट्स, पोजीशन सारी चेंज हो गई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन देख लेते, तो वापस जो करंट है वो पहले जाएगा बी वन में, बी वन से जाएगा सी टू में, सी टू से जाएगा सी डी में। देखो स्टूडेंट्स यहां पे सी डी में जाएगा वो पहले, फिर वो आएगा ए बी में, ए बी से जाएगा वो सी वन में, और सी वन से जाएगा वो बी टू में। तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट का मूवमेंट ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो अगर आप नोटिस करोगे जो सी डी है वहां पे अभी करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, करंट इज इनवर्ड, जो फोर्स लगने वाला है वो कहां लगने वाला है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड। तो सी डी जो है वो अभी कहां जाएगा, वो जाएगा डाउनवर्ड, तो सी डी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अभी एट द सेम टाइम, ए बी के साथ क्या होगा, तो ए बी में आप देख पा रहे हो करंट इज कमिंग आउट, इन आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा वो जो है वो यहां पे राइट हैंड साइड में जा रहा है, करंट जो है वो आउटवर्ड है, तो ये कहां जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, तो ए बी विल मूव अपवर्ड। तो पहले केस में हम लोग देख रहे थे कि ए बी नीचे जा रहा था, सी डी ऊपर आ रहा था। देखो स्टूडेंट्स पहले केस में क्या हुआ था, ए बी नीचे सी डी ऊपर, मोमेंटम की वजह से अपने आप 180 डिग्री कंप्लीट। अब ये पोजीशन से थर्ड केस चालू होगा, ये सी डी है, सी डी विल मूव डाउनवर्ड, ए बी विल मूव अपवर्ड, तो ये वापस 90 डिग्री कंप्लीट होगा। तो दिस इज नथिंग बट पोजीशन फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 90 270 डिग्री होता है, तो ये 270 डिग्री तक का कंप्लीट हुआ। रोटेशन तो पूरा 360 लेना है, तो 180 से 270 डिग्री हम लोग को ये पोजीशन में यहां पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो जो सीडी है वो नीचे चले गया है, एबी जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब ये वर्टिकल पोजीशन पे आ गए, ये वर्टिकल पोजीशन पे वापस क्या होगा, देखो ये वापस ये रोटेशन होगा, ये सी टू है, ये सी वन है, ये घुमा ऐसा आ गया, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, सी टू यहां पे, सी वन ऊपर। अब आप देख रहे हो देयर इज नो कॉन्टेक्ट विद ब्रश एंड अ स्लिट रिंग, तो करंट वापस क्या हो जाएगा, करंट विल गेट कट ऑफ, करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट बी वन तक जाएगा लेकिन आगे फ्लो हो पाएगा नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा, स्टिल देयर इज अ रोटेशन, भगवान भरोसे नहीं, इनर्शिया के भरोसे, इनर्शिया भरोसे पे रहेंगे, क्योंकि मोमेंटम जनरेट हो चुका है, तो एक बार रोटेशन करने से और चार पांच रोटेशन हो रहा है। देखो फ्रेंड्स मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक साथ चार पांच रोटेशन अपने आप हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा रोटेशन है वो अपने आप कंप्लीट होगा, और 270 डिग्री पे वर्टिकल पोजीशन पे था, तो अब वो 270 डिग्री से 360 में कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म होगा, एंड वहां पे जो है आपका एक 360 डिग्री का मूवमेंट देखने मिलेगा। तो स्टार्ट कहां से किया था, देखो फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं, ए बी सी डी, करंट आया ए बी डाउनवर्ड, सी डी अपवर्ड, 90 डिग्री तक कंप्लीट किया, वर्टिकल आ गया, करंट कट ऑफ हो गया, फिर भी रोटेशन होगा इनर्शिया या मोमेंटम की वजह से, तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। अब आगे बात करेंगे थर्ड केस में, जो यहां पे आपने देखा है, अब सी डी जो है करंट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, सी डी में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो सी डी विल मूव डाउनवर्ड, ए बी विल मूव अपवर्ड, यहां पे रोटेशन जो है वो 90 डिग्री का होगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक का रोटेशन होगा, देन आप कंपेयर करोगे तो वापस करंट कट ऑफ हो गया है, बट ड्यू टू इनर्शिया ये 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। तो स्टार्ट हम लोग ने ए बी राइट हैंड साइड से किया था, सी डी राइट, ए बी को हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, सी डी को हम लोग ने राइट हैंड साइड पे रखा था, तो ये पोजिशन जो है वो देखो सेम, अभी सेम पोजिशन आ गया, तो जो ए बी है वो 360 डिग्री पूरा घूम के अपनी पोजीशन पे आ गया है। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो रिमेम्बर दिस ऑलवेज, जो 0 टू 90 डिग्री है वो करंट के डायरेक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से चेंज होगा, 90 टू जो आगे का डायरेक्शन है दैट इज 90 टू 180 दैट विल बिकॉज ऑफ इनर्शिया, 180 टू 270 वापस ड्यू टू करंट, एंड 270 डिग्री टू 360 इज अगेन ड्यू टू द इनर्शिया। तो यहां पे दो बार इनर्शिया काम आती है,
तो ये हो गया वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आए हैं।